बिल्कुल देखिए, ईडी दफ्तर के अंदर राहुल से सवाल जवाब जारी है। बाहर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी ने गांधी परिवार पर गंभीर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने पूछा कि क्या अखबार के कर्मचारियों को सैलरी देना अपराध है। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? साल 2000 तक नेशनल हेरल्ड अखबार अपने कर्मचारियों और पत्रकारों की तनख्वाह नहीं दे पा रहा था। हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह माना कि स्वतंत्रता संग्राम के इस अखबार को चलाना, पत्रकारों की तनख्वाह देना, कर्मचारियों की तनख्वाह देना हमारा कर्तव्य है। और 67 करोड़ रुपया 2002 से 2011 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पत्रकारों की तनख्वाह, कर्मचारियों की तनख्वाह और वीआरएस का दिया। हमने नेशनल हेरल्ड अखबार के बिहाफ पर हाउस टैक्स दिया, बिजली का बिल दिया, कर्मचारियों की तनख्वाह दी, पत्रकारों की तनख्वाह दी, सरकार का पैसा लीज मनी जमा करवाया। क्या ये अपराध हो सकता है? फिर तो आप सबको, जो टीवी और पत्रकार के सब आप पत्रकार भाई बहन हैं, आपको भी गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि आप तनख्वाह लेते हैं। जुबानी जंग तेज हो गई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। इस बीच कांग्रेस के तमाम नेताओं का जो प्रदर्शन है वो भी देखने को मिल रहा है। ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। अतुल मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अतुल, 2 घंटे का समय बीत चुका है, क्या सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, क्या कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं राहुल गांधी से? बिल्कुल, लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जब राहुल गांधी ईडी दफ्तर में हैं। उनसे पूछताछ जो है वो 2 घंटे पहले शुरू की गई थी। सबसे पहले जो राहुल गांधी से पूछा गया था कि आखिर उनके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, इसका जवाब राहुल गांधी नहीं दे पाए थे। और इसके अलावा उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, क्या विदेश में भी उनकी प्रॉपर्टी है, ये तमाम सवाल जो है ईडी अधिकारियों की तरफ से पूछे गए थे। इसके अलावा जो हमें ईडी के सोर्सेज बता रहे हैं कि पहले कुछ वकील भी जो है वो यहाँ पर ईडी दफ्तर पहुंचे थे। उनका कहना था कि वो राहुल गांधी के साथ अंदर जो है ईडी दफ्तर में जाएंगे, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने इस बात से साफ कर दिया था। उनका कहना था कि कोर्ट का ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है जिसके चलते राहुल गांधी के साथ वकील जो है वो ईडी दफ्तर में जाएं। वो अकेले राहुल गांधी से जो आईओ है और जो दो जो 4 अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ करेंगे, जिसके बाद वकीलों को ईडी दफ्तर के बाहर ही रोक दिया गया था। सबसे अहम यहां पर जो हमें ईडी के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि डोटेक्स लिमिटेड, जो कि कोलकाता बेस्ड कंपनी है, इससे जुड़ी जानकारियां राहुल से मांगी गई हैं। इससे भी पैसा जो है वो कई अकाउंट्स में पहुंचा था, जिसकी जानकारी जो है वो ईडी राहुल गांधी से लेना चाहती है। इसके अलावा हमें ईडी अधिकारी जो जानकारी दे रहे हैं, ईडी सोर्सेज जो जानकारी दे रहे हैं, इसके मुताबिक 2 असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी भी राहुल गांधी से पूछताछ कर रहे हैं। यानी कि 4 अधिकारी हैं, उनमें एक जो है वो जॉइंट डायरेक्टर लेवल के आदमी हैं और जो अधिकारी हैं, और इसके अलावा 2 असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, और इसके अलावा एक आईओ जो कि डीडी रैंक का अधिकारी है वो उनसे पूछताछ कर रहा है। इसके अलावा जो 2019 में जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था, जिसमें एजेएल और यंग इंडिया के बीच हुए लेन देन की संपत्ति और अचल संपत्ति प्राप्त करने का साधन माना गया था, इस पर भी राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है। सबसे अहम बात यहां पर यह है प्राची, कि जब रणदीप सिंह सुरजेवाला यहां पर पहुंचे थे तो वो यहीं पर ही इसी जगह पर ईडी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। हमने उनसे कई सवाल पूछे, उनसे डोटेक्स लिमिटेड से लेकर सवाल पूछे, 2019 में हाईकोर्ट के ऑर्डर को लेकर सवाल पूछे, तो उनका कहना था कि वाद विवाद ना करें, इसका जवाब वो कोर्ट में देंगे, और कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो स्टे लगाया हुआ है। लेकिन कई ऐसे सवाल कोर्ट में जवाब देने की बात कह रहे हैं। वहीं ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी से लगातार पूछताछ हो रही है, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने, देखिए राहुल का शक्ति प्रदर्शन, और उसी शक्ति प्रदर्शन के बाद उसी हुजूम के साथ वो आ रहे थे, उसके बाद वो ईडी दफ्तर पहुंचे और ईडी दफ्तर तक कांग्रेस के दफ्तर से पैदल मार्च भी किया गया। साथ ही जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनका हुजूम भी देखने को मिला। देखिए किस तरह से बैरिकेड के ऊपर चढ़कर नारेबाजी कर रहे हैं, हाथ में इनके पोस्टर्स हैं, हाथ में इनके प्ले कार्ड हैं, और इसको एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, जिसे नाम दिया गया था सत्याग्रह मार्च का।
इंडिया टीवी, हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।